अगली खबर का रुख करेंगे। ग्वालियर पुलिस और कर्नाटक की बेंगलुरु क्राइम ब्रांच ने एक जॉइंट ऑपरेशन में चार लुटेरे को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पिस्टल, कट्टा और दर्जन भर से ज्यादा जिंदा राउंड बरामद किए गए हैं। इन बदमाशों ने 14 मार्च को बेंगलुरु के कोडिगेहल्ली थाना क्षेत्र के देवनगरा में स्थित एक ज्वेलर शॉप पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद इन बदमाशों ने ज्वेलर्स के दो कर्मचारियों को गोली भी मार दी थी। इस बीच ग्वालियर पुलिस को भी इन बदमाशों को जाल बिछाकर अब उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। अपने पास इन्फॉर्मेशन आ गया कर्नाटका पुलिस की तरफ से कि वहाँ पे एक ज्वेलरी शॉप पे, कौडिगे हल्ली बोल के एक जगह पे, एक ज्वेलरी शॉप पे लूट की घटना की कोशिश हुआ है। उसमें एक आदमी इंजर्ड भी हो गया। चार पांच बदमाश ज्वेलरी में घुस के वेपन के साथ जो लूट करने का कोशिश किया, उसमें एक इंजर्ड होने के बाद वो वहाँ से भाग गया। तो इनके पीछे पुलिस, कर्नाटका पुलिस का टीम इधर आ गया था और अपना क्राइम ब्रांच और कर्नाटका पुलिस साथ मिलके एक जॉइंट ऑपरेशन किया। कल रात को कर्नाटक एक्सप्रेस में हमने तलाशी की और पांच बदमाशों से चार हमें पकड़ने में सफलता मिला है। ये चार में से जो जिसको गले में गोली लगा है उनको हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया है और उसके ट्रीटमेंट भी चल रहा है। ये जो पकड़े गए बदमाशों से अब अपने दो दो देशी बंदूक और काफी जिंदा राउंड भी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भूपेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, ग्वालियर पुलिस और कर्नाटक की बेंगलुरु क्राइम को काफी बड़ी कामयाबी मिली है। जी बिल्कुल, ये सही बात है। जो बेंगलोर में एक डकैती का प्रयास हुआ था जिसमें पांच जो आरोपी थे वो मुरैना के रहने वाले थे और इन्होंने पूरी प्लानिंग से एक ज्वेलर्स की दुकान पर हमला बोला था, जिसमें वहां गोलीबारी करके इन्हें लूट का प्रयास किया था। हालांकि ये लूट में सफल नहीं हुए, जिसके बाद वहां से ये भाग निकले। तो इन जो ये कट्टा लेकर फायरिंग कर रहे थे वो कट्टा वहां गिर गया। उसके बाद जो व्यापारी था ज्वेलर दुकान का मालिक, उसने भी आरोपी पर उसी कट्टे पे फायर कर दिया जिसमें उसको भी गोली लगी। हालांकि ये घायल होने के बाद की करिए चारों वहां से भाग निकले। उसके बाद ये चारों जो वहां से ना गाड़ी से और ट्रेन से कर्नाटक एक्सप्रेस से ग्वालियर पहुंचे। तो बेंगलुरु पुलिस और ग्वालियर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए यहाँ ग्वालियर रेलवे स्टेशन से इन चारों को गिरफ्तार कर लिया। एक एक जो आरोपी है वो अभी फरार है और इनसे 10 जिंदा कारतूस और पिस्टल और भी कई इनसे चीजें बरामद हुई है। पुलिस हालांकि इन लोगों से पूछताछ कर रही है। बेंगलुरु पुलिस भी यहाँ पहुंच चुकी है, उन्होंने भी अपने हिरासत में ले लिया है। तो भूपेंद्र, पुलिस को कैसे कैसे ये कामयाबी मिली, क्योंकि जिस तरह से खबर भी मिल रही है, जानकारी प्राप्त हुई है कि काफी समय से इनकी तलाश थी पुलिस को। जी देखिए, जो बेंगलुरु पुलिस है उसने कहीं ना कहीं जब इन लोगों का पीछा किया तो उन्हें जो लोकेशन है वो ग्वालियर की मिली। उसके बाद जो बेंगलुरु पुलिस ने ग्वालियर पुलिस से संपर्क साधा और उसके बाद कहीं ना कहीं इनका पीछा करते हुए आई और इधर ग्वालियर पुलिस भी इन्हें ट्रेस कर रही थी लगातार। ट्रेस के बाद जब इन्हें पता चला कि ये लोग जो हैं दो कर्नाटक एक्सप्रेस से ग्वालियर पहुंचे हैं और जो दो अन्य आरोपी हैं वो शहर में ही हैं, तो पुलिस ने पूरी एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए पूरी टीम का एक घेराबंदी कर इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो भूपेंद्र, जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है क्या उनका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, क्या पहले भी मामले दर्ज थे ऐसे? हाँ, इनमें जो अभी जो चार आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, एक अभी फरार है, उनका जो बैकग्राउंड है उन पे 8-8-10 जो मामले दर्ज हैं अलग अलग थानों में, मुरैना में और मुरैना के आसपास के जो थाने हैं उनमें भी है। ये जो आरोपी है बताया गया ये संभवतः वहाँ मार्बल जो लगाने का काम करते थे और इनने एक रैकी करके ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया था, जिसके बाद ये वहाँ पहुंचे और उन्होंने अपने हथियारों से वहाँ फायरिंग की और लूट की घटना को अंजाम दिया। लेकिन लूट करने में ये सफल नहीं हुए, उसके बाद ये भाग निकले वहां से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र आपका इन तमाम जानकारी के लिए।